नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल BSc BEd इंटीग्रेटेड के अंदर। काफ़ी समय से दोस्तों मैं वीडियो नहीं डाल रहा था, तो उसकी कुछ वजह थी दोस्तों, तो उसके लिए सॉरी। और आज मैं आप वो जितनी भी सीरीज हैं, जो 1 वीक सीरीज है, वो तो उसके हिसाब से मैं तैयारी करवाऊंगा आपको, चालू करता हूँ। तो पहले जो टाइम निकल गया दोस्तों, उसके लिए सॉरी। तो आज मैं रिव्यू देने वाला हूँ आपको 1 वीक सीरीज जो स्टडी किंग की है, श्योर सक्सेस, आल्सो यूजफुल फॉर अजमेर, कोटा, बीकानेर, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है उन सभी की यूनिवर्सिटीज़ के लिए इम्पोर्टेंट साबित होगी, कॉमन है, इसीलिए मैं इसको लेके चल रहा हूँ। तो इस पे लिखा हुआ है स्टडी किंग 1 वीक सीरीज BSc प्रथम वर्ष भौतिक विज्ञान और मैकेनिक्स का जो प्रथम आपका पेपर होगा BSc का, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। और इसमें ये लिखा हुआ है भी ये अनुभवी संपादकों द्वारा है, वो बनाई गई है, संपूर्ण सामग्री है वो सर्वश्रेष्ठ साबित होगी। तो ये हर्षित पब्लिकेशन अजमेर से है। उसके बाद दोस्तों ये अपने पहले बात करें तो महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी जो अजमेर है, उसके अकॉर्डिंग जो इसका सिलेबस है वो दिया हुआ है। एक बार इस पे नज़रें मार लेते हैं, ठीक है। ये इनर्शियल फ्रेम हो गया और इसमें सारा कुछ जो दोस्तों है वो दिया गया है, और सारा सिलेबस आप इसमें थोड़ी नज़र मार लें, दिया गया है। इस सिलेबस के बाद बात करें तो आगे वाली जो जय नारायण व्यास जोधपुर की जो यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी का भी इसके अंदर सिलेबस है जो दिया हुआ है। तो इसका रिव्यू एक बार थोड़ा थोड़ा वो सिलेबस का देख लीजिए आप, सारी यूनिवर्सिटी का, जो भी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सभी यूनिवर्सिटीज़ का एक बार रिव्यू आप देख लें। कल से 1 वीक सीरीज से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आगे देखें तो आगे ये रहे, आगे दोस्तों देख लें, आप हो सके तो इनको परचेज ज़रूर कर लें, क्योंकि ये सारी यूनिवर्सिटी, ये कोटा यूनिवर्सिटी आ गई, कोटा यूनिवर्सिटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, सबके लिए इम्पोर्टेंट साबित होगी। उसके बाद ये आ गई अपनी बीकानेर यूनिवर्सिटी, बीकानेर यूनिवर्सिटी इसके अकॉर्डिंग जो सिलेबस इसमें दिया हुआ है, बस सब लगभग सभी में जो टॉपिक हैं वो सारी इसके अंदर है वो कवर किया गया है। ये जो उदयपुर की जो मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी है उसके अकॉर्डिंग आ गया सारा सिलेबस जो है वो आप इसमें देख सकते हैं। 5 जो यूनिटें इसमें पूरी हो गई हैं, और महाराजा दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी है इसके अकॉर्डिंग देखिए ए भाग में क्या आता है। तो ए भाग की अगर बात करें तो इसमें प्रश्न आता है, देखिए ए भाग में जो कंपलसरी होता है, केंद्रीय बलों के अधीन गति की सामान्य विलक्षणताएं क्या हैं, और जितने भी क्वेश्चन इसमें जड़ती नेतांक क्या होते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। ए भाग में 10 क्वेश्चन 2017 का जो पेपर आया था, और 2017 में बे भाग में जो आया था वो ये क्वेश्चन आए थे, ठीक है। और उसके बाद देखें तो इतने क्वेश्चन हैं जो दोस्तों सी पार्ट के अंदर आए थे, तो 3 पार्ट आपके इसमें होते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आता है पूरा का पूरा सिलेबस, इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं लास्ट ईयर एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, अगर आप इन क्वेश्चन जितने भी इसमें दिए सारे को कंप्लीट कर लेते हो तो पेपर के 95% चांसेस हैं वो इसी के अंदर से पाए गए हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत से क्वेश्चन जो नए हैं, बहुत से रिपीट भी हुए हुए क्वेश्चन हैं, तो आप इनको ज़रूर है वो देखें, इनको ही कवर ज़रूर करें, ज़्यादातर आप इसी पे ध्यान दें, ठीक है। और ये देखिए सारा कुछ इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन सारे के सारे हैं जो अगर आप कर लेते हो
तो एग्ज़ाम में आप 95% क्वेश्चन इसी में से आएगा और अच्छे नंबर है वो आप दोस्तों प्राप्त कर सकते हो। तो इसके अंदर आपके बनते हैं इतने ही प्रश्न, लगभग देख लीजिए ये बनते हैं आपके 51 क्वेश्चन। उसके बाद आगे इनके हल, तो इतनी 51 क्वेश्चन कि जो पूरी की पूरी ये बनी हुई है, इसी में से घुमा के जो प्रश्न है वो घुमा के आपको पूछा जाता है। और इसमें जो पहला क्वेश्चन आपको करवाया गया है जड़त्वीय फ्रेम फ्रेम वाला, सारे क्वेश्चन हैं वो एक बार बड़ा बड़ा रिव्यू आपको दिखा देता हूँ। तो सारे क्वेश्चन इसमें दृढ़ पिंड गति की वगैरह जितने भी तरीके से है वो बताया गया है, तो सारे क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। पूरे क्वेश्चन अपने इसकी अंदर पढ़ने वाले हैं और आप ज़रूर से इसको फॉलो करें, बहुत ही अच्छी तैयारी है वो अपनी हो जाएगी इससे। और जो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन इसमें करवाए गए हैं, जो लघुरात्मक प्रश्न है, जो अति लघुरात्मक प्रश्न है, छोटे बड़े, तो तीनों पार्ट ABC में आते हैं, वो सारे के सारे प्रश्न है वो लगभग इसमें है वो कंप्लीट करवाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, मोटा मोटी इसमें थोड़ा बहुत आपको रिव्यू दे देता हूँ मैं, बाकी आप इसको है वो नोट कीजिएगा, इसके अकॉर्डिंग ही आप तैयारी कीजिएगा, क्योंकि जितने क्वेश्चन बनने होते हैं वो इसी में से बनते हैं, इससे बाहर सिलेबस ही नहीं है, इससे बाहर बनता भी नहीं है, सारे के सारे प्रश्न, सारे का सारा सिलेबस वो इसी के अंदर से कवर किया हुआ होता है। तो ये था दोस्तों आपके जो मैकेनिक्स की जो बुक अपने जो लगती है BSc फर्स्ट ईयर में, तो BSc फर्स्ट ईयर के अंदर जो BSc मैकेनिक्स जो यांत्रिकी की जो बुक लगती है आपकी, उसका जो पूरा रिव्यू था। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो है वो बहुत पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को जो है लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, और क्योंकि इसमें मैं और भी जो पेपर हैं और भी बुक्स हैं हिंदी इंग्लिश जितनी भी है सभी के जो रिव्यू है मैं आपको देने वाला हूँ। पहला रिव्यू जो आपको कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इससे अगर आपको कोई हेल्प मिली है तो भी आप दोस्तों ज़रूर बताएं, और इसके जो पर्सन है वो सारे रिव्यू होने के बाद स्टार्ट किए जाएंगे। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही दोस्तों, तो थैंक्स, आप इस चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। थैंक्स दोस्तों।